वेलकम स्टूडेंट्स नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स फॉर नॉट ओनली सीबीएसई आल्सो हेल्पफुल फॉर योर नीट एंड जेही सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेस्टेंस 50 माइक्रोफेराइड इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अपने पास तो यहां जो दे रखा है उसी हिसाब से यूज कर लो जिस कैपेसिटेंस दे रखी है और पोटेंशियल दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या है यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर तो देखिए हाफ सी की वैल्यू कितनी है फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स फेरेड और ये हो जाएगा आपका टेन टू दावर थ्री का होल स्क्वायर तो 50 अपॉन टू और इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स और ये आ जाएगा प्लस सिक्स तो ये आपका आएगा 25 जूल ठीक hmm. है सो दिस इज योर करेक्ट आंसर 25 जूल नेक्स्ट वट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस थ्री माइक्रोफेराइट एंड फोर माइक्रोफेरेड वेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरल तो देखिए जब दोनों को सीरीज में हम जोड़ेंगे तो थ्री माइक्रोफेरेड और फोर माइक्रोफेरेड और इन्हीं दोनों को अपने को जोड़ना है पैरेलल में थ्री माइक्रोफेरेड और फोर माइक्रोफेरेड तो इनकी इक्विलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी तो देखिए सीरीज में जब जो हम जोड़ते हैं तो कैसे करेंगे इसको सीरीज रेसिप्रोकल में ऐड करेंगे तो वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर और पैरेलल में जब इनको निकालेंगे तो होगा अपना सिंपल इनको ऐड करना है थ्री प्लस फोर यानी कि यह तो हो गया सेवन माइक्रोफेरेड ठीक है और ये अपन कर लेते हैं एक बार तो इसका एलसीएम कितना आएगा ट्वेल्व थ्री फोर जो ट्वेल्व फोर थ्री जो ट्वेल्व यानी कि सेवन अपॉन ट्वेल्व तो सी एस कितना हो गया ट्वेल्व अपन सेवन माइक्रोफेराइड तो ये सीरीज का है और ये आपका पैरेलल का है तो ट्वेल्व अपॉन सेवन और सेवन तो दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल अब मेटल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है तो देखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो क्या था रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी भी डाई मटेरियल को पैरेलल पेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो ये तो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इसके अंदर आपकी बनती है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ना लेकिन अगर आपका कंडक्टर है ये मान लो अगर आपका ये मटेरियल कंडक्टर है तो उस केस में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होती है जीरो ठीक है ना तो ये अगर मैं जीरो पुट कर दूं, तो आंसर क्या आता है इंफिनिटी तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी इंफिनिटी हो जाएगी क्यों क्योंकि आपका ये मेटल की बात हो रही है ठीक है ना कंडक्टर यहां पे मेटल लिया ही है नेक्स्ट क्वेश्चन ए पैरल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद बैटरी एंड देन सेपरेटेड फ्रॉम इट नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू प्लेट्स इज इंक्रीज वट विल बी द चेंजेस इन द इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तो क्या कह रहे हैं कि कोई पैरल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज कर दिया और उस वजह से इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया हमारे प्लस क्यू और ये माइनस क्यू ठीक है ना? दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है और उस वजह से पोटेंशियल V डेवलप हुआ फिर कह रहे कि अगर हम डी को बढ़ा दें डी को अगर हम बढ़ा दें डिस्टेंस बढ़ा दें अगर हम ठीक है ना? डी प्लस कुछ कर दें इसमें फैक्टर तो उस वक्त क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर और कैपेसिटेंस के अंदर ये कह रहा है कि ए पैरल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बैटरी तो पहले इसको ऑलरेडी चार्ज कर दिया गया है इस कैपेसिटर को और उसके बाद में इस प्लेट्स को शिफ्ट किया गया है तो जब हमने कम्प्लीटली चार्ज कर दिया तो मान लीजिए प्लेट के ऊपर क्यों अमाउंट का चार्ज आ गया ठीक है ना तो जब हम प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज तो उतना ही है चार्ज तो उतना ही है और चार्ज के वजह से ही इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो अब भी वही रहेगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रहेगी आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि चार्ज क्योंकि आपका कॉन्स्टेंट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी आपका क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा यानी कि रिमेंस सेम रिमेंस सेम रहेगा ठीक है फिर पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है तो ई इज इकल टू वी अपॉन आर है ना यानी कि वी इज ईकल टू ई आर अपने इस हिसाब से लेंगे तो वी इज इक्ल टू ई डी हो गया ठीक है तो देखिए डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है डिस्टेंस आपका राइज हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी तो डिस्टेंस अगर राइज होगा तो पोटेंशियल भी राइज होगा ठीक है तो पोटेंशियल क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका सेम रहेगा ठीक है फिर थर्ड बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस की तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है सी इज इक्वल टू एप नॉट ए अपॉन डी अब क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस आपकी क्या हो जाएगी घट जाएगी क्यों क्योंकि C जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D है ठीक है तो यानी कि सी क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीज और डिक्रीज तो रिमेन्स कांस्टेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल लाइन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी द वर्क डन इन फिगर वन इज द ग्रेटेस्ट द वर्क डन वर्कडन वर्क डन निकाले ना अपने को सब में तो देखिए चार्ज को कहां से काम कर रहा है ए चार्ज चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ए से बी की तरफ ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है ठीक है ना तो ये तो हो गया फ्रॉम और ये हो गया टू ठीक है तो टू माइनस फ्रॉम टू माइनस फ्रॉम होता है ना तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन और अपॉन में द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड ठीक है तो वर्क डन हमसे पूछा गया कि वर्क डन कितना होगा तो वर्क डन पूछा गया है तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए और चार्ज तो आपका क्यू है तो वर्क डन देखिए इस वाले केस में देखते हैं तो वी पोटेंशियल कितने पे 40 पे है तो 40 माइनस और ए का पोटेंशियल कितना है 20 तो ये आपका निकल के आता है 20 क्यू वर्क डन आया ऐसे इस केस में देखोगे आप तो वर्क डन देखिए ये 10 पे है तो ये आपका 20 वोल्ट है 30 वोल्ट और ये ये फिर आपको 40 वोल्ट होगा ठीक है ना तो यहां वर्क डन सेम आएगा 20 40 है ऐसे देखिए ये ए भी आपका ट्वेंटी पे है और बी भी कितने पे फोर्टी पे है तो यहां पे वर्क डन सेम आएगा तो ये भी आपका ट्वेंटी क्यू आएगा और यहां पे वर्क डन आपका ट्वेंटी क्यू आएगा ठीक है तो द वर्क डन इज सेम इन फिगर वन टू एन थ्री ठीक है तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स विल बी कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और पोटेंशियल पूछ रहा है तो दोनों में रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में तो ई इज इक्ल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर ठीक है तो आप लिख सकते इसको DV minus, तो e हो इसको डी वी इजिकल टू माइनस तो ई डॉट डी आर ओ ना ई डॉट डी आर पोटेंशियल आपका स्केलर होता है तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है ये वाई एक्सिस मान लो और ये जेड एक्सिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इसके अलोंग है एक्स एक्सिस के अलोंग तो एक्स यहाँ पे ज़ीरो से शुरुआत हो रही है दैन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्स इजिकल टू प्लस एक्स विल भी तो पोटेंशियल इसी, इसी लाइन में देख रहे हैं पोटेंशियल और डी आर भी अपना क्या होगा इसी डिस्टेंस के अलोंग होगा ना तो अपना ये बन जाएगा माइनस ई नाट और ये डी आर अपना क्या होगा डी एक्स क्योंकि एक्स के अलोंग ही जा रहे हैं ना क्योंकि एक्स इजिकल टू प्लस एक्स देख रहे ना तो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है एक्स और ये डॉट प्रोडक्ट जब हटाओगे तो बीच में आ जाएगा इसके को स्थ्रीटा तो माइनस ई नॉट डी एक्स और कोस थीटा कितना होगा भाई एक्स भी तो इसी के अलोंग जा रहा है ना डायरेक्शन भी यही है डीएक्स डीएक्स भी इसी तरफ जा रही दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो थीटा कितना होगा जीरो डिग्री और कोस जीरो डिग्री कितना होता है वन तो ये तो फैक्टर खत्म हो गया तो डी वी आपका आया माइनस ई डी एक्स ये तो स्मॉल पोटेंशियल हो गया ठीक है ना डिफरेंशियल फॉर्म में अब कंप्लीट पोटेंशियल कितना होगा तो इसको इंटीग्रेट कर दो ठीक है ना इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये तो बन गया आपका बी और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर कहां पे गया है प्लस एक्स तक गया है तो जीरो से लेकर एक्स तक गया है ठीक है ना ये लिमिट लगा दी हमने तो माइनस और ई नॉट डी अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा आपका डी तो माइनस ई नॉट और ये क्या बन गया आपका x ठीक है तो माइनस ई नॉट एक्स सो दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सर्गम फ्रेंड्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर कोई सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है आर है और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ना डी आर डिस्टेंस गीआर द लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सर्गम फ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर ड्रॉन विद ए पॉइंट चार्ज क्यू एट द सेंटर विल बी तो सेंटर में अपना चार्ज क्यू है ठीक है तो अगर मान लीजिए इस पर प्लस माइनस दे नहीं रखा तो मान लो ये प्लस क्यों ही होगा तो प्लस चार्ज है तो जब प्लस चार्ज है इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड फीडलाइंस हमेशा क्या होती हैं सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती हैं ठीक है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड फीडलाइंस आपकी नॉर्मल होंगी हमेशा परपेंडिकुलर चलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फीडलाइंस अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फीडलाइंस होंगी हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं ये पूछ रहा है कि सरगम फ्रेंस के अलोंग कितनी आएगी सरगम फ्रेंस के अलोंग तो सरगम फ्रेंड्स के अलोंग मान लीजिए अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं ए पॉइंट से ठीक है ना और इस सरगम फ्रेंड्स के अलोंग घूम फिर के वापस जब आएगा तो मान लीजिए यहाँ बी पॉइंट तक आ गया जहाँ पे ए और बी क्या है एक ही बात है एक ही पॉइंट है ठीक है तो मतलब ए से बी पॉइंट तक गया कंप्लीट सर्कल हो गया वेयर बी इज इक्वल टू ए सेम ही पॉइंट है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो सब so, करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन ए पार्टिकल हैंग मास वन ग्राम एंड इलेक्ट्रिक चार्ज टेन टू द पॉवर माइनस 8 coulomb ट्रेवल्स from ए पॉइंट ए हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस मच टू द पॉइंट बी हैविंग पोटेंशियल जीरो What विल बी द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इन द सेंस क्या है ये डन ही है ये ठीक है ना एनर्जी है ना डन और एनर्जी इंटर रिलेटेड होती है तो देखिए एक कोई हमारे पास पॉइंट ए है जिसका पोटेंशियल कितना है वी ए कितना है पोटेंशियल 600 वोल्ट है और कोई एक पॉइंट बी है जिसका पोटेंशियल कितना है जीरो है लो पोटेंशियल पे ठीक है ना ये हाई पोटेंशियल पे ये लो पोटेंशियल पे तो ए चार्ज ऑफ दिस मच ट्रेवल्स फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो ए से बी की तरफ मूव कर रहे चार्ज तो यहां पे आएगा वर्क डन तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होगा टू माइनस फ्रॉम तो वी बी माइनस वी ए ठीक है ना तो वर्क डन कितना हो गया वी बी कितना है जीरो और वी ए कितना है सिक्स हंड्रेड और इनटू टू क्यू क्यू कितना दे रखा है आपने टेन टू दॉर माइनस एट और यही वर्क डन आपकी क्या है एनर्जी है और कौन सी है क्योंकि चार्ज मूव कर रहे हैं यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी तो ये कितना हो जाएगा माइनस सिक्स हंड्रेड या सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स और एनर्जी कैसे यूनिट होती है जूल तो ये आएगा आंसर तो माइनस सिक्स इंटू टेन टू माइनस सिक्स जूल ठीक है ना अर्ग में नहीं होगा अर्ग और जूल में क्या रिलेशन है पता है क्या आप लोगों को वन जूल इज इक्वल टू टेन टू दावर सेवन अर्ग होती है ठीक है ना ये नोट कर लो आप नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हे आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द लिंक ऑफ सम इम्पोर्टेंट बुक्स विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू यू कैन परचेज दैम डायरेक्टली फ्रॉम एमेजोन एट ए वेरी रीजनेबल रेट